हम सब इस माशरे का हिस्सा हैं और सरकार आप और हम सब इवन इन स्टूडेंट्स के टैक्सेस के पैसे से चलती है, तो हम हर हवाले से एक दूसरे को अकाउंटेबल हैं। जब मैं अपना एनालिसिस करता हूँ कि यार हमारे अंदर क्या मसाइल हैं और क्या ख़राबियाँ हैं, इतनी अच्छी और मोटिवेटेड टीम होने के बावजूद अपने डिज़ायर्ड हदफ को क्यों नहीं अचीव कर पाते, पहली चीज़ ये है कि हम ओवरनाइट रात भर में चाहते हैं कि मोहम्मदी मोहल्ला साउथ ऑफ फ्रांस बन जाए। हम सोए रहते हैं, एक रात किसी बड़े अफसर को ख्वाब आता है कि भाई मैंने रेवोल्यूशनलाइज कर देना चीज़ों को, और वो चाहता है कि जो वेंडर है, जो काम करने वाला है, उसको एम्पल टाइम, उसको एम्पल अवेयरनेस और एम्पल एजुकेशन ना दी जाए और वो ओवरनाइट वो करना शुरू कर दे पाकिस्तान में जो अमेरिका में हो रहा होता है। अगर हम लोगों को पूरी अवेयरनेस दें, उनको पूरा एजुकेट करें, और उससे पहले हमारे पास क्लैरिटी ऑफ थॉट हो कि हम चाहते क्या हैं, हमारा नतीजा क्या है, हमारा हदफ क्या है। अगर हमारे छापे मारने से और हमारी उन चीज़ों से हम अपनी उस एक चीज़ को क्लीन कर लेते हैं तो समझें कि हमने वो हदफ हासिल कर लिया, वरना हम उसी गोरख धंधे में होंगे कि इतने छापे लगे, इतनी सरकार को जुर्माना पड़ा और परनाला उधर का उधर ही है और लोगों का जो मसला था प्राइस कंट्रोल का वो हल नहीं हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा बुनियादी कमी है जो हमें हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तक नहीं पहुँचने देती।